इस वक्त हम लोग ठाकुरगंज के नूरी चौक इलाके में हैं और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा रास्ता है और ये रास्ता बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर तक लंबा है, जिसकी सकल सूरत देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना बदहाल और कितना खुशहाल है, लोग कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। 3 किलोमीटर यानी हजारों की आबादी इस रास्ते से रोजाना आती और जाती है, लेकिन ये हाल देख करके लोग कितने परेशान हैं। हम लोग के आते ही देखिए कितना बड़ा हजूम यहाँ पे जमा हो चुका है अपनी समस्या को बताने के लिए। तो विकास ठाकुरगंज में कैसे हो रहा है और किस लेवल पर हो रहा है, जिसका एक नमूना आप देख सकते हैं। लोग इस मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे कि ये हालत कब से है और लोग क्या सोचते हैं, क्या मांग है अपने विधायक से, अपने प्रतिनिधि से या प्रशासन से, वो लोग खुद बताएंगे कब से ये हालत है। हाँ सर, ये बात ऐसा है कि जिस समय ये खुदाई हो रहा था उस समय आचार संहिता का समय था, तो हम लोग जो ठेकेदार को बोलते हैं तो काम होगा तो हाँ हो जाएगा बोले, तो काम होते होते थोड़ा खुदाई कर लिया, उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद हम लोग फिर ठेकेदार को बोले, फिर दूसरा दिन खुदाई कर लिया, मोटा मोटी 1 किलोमीटर तक वो खुदाई किया, खुदाई करने के तीसरा दिन तक अब ठेकेदार। अब आप लोग दो राय में है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, दो राय में नहीं है। क्या दो राय में है? दो राय मतलब ये कि आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है दो राय में, इसमें क्या मतलब है? 50-100 साल पुराना सड़क को खोद के चला गया। अगर विधायक जी बोल देगा एक ठेकेदार को कि आप सड़क को खोद दीजिए, तो वो ठेकेदार खोद के चला जाएगा। आप ठेकेदार को आज फोन लगा रहे हैं तो बोलता है विधायक जी के पास जाओ। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, जब सड़क पास नहीं हुआ तो खोदना नहीं चाहिए, खुदा के हम लोग को परेशानी में डाल दिया है। और कहना जो विधायक के पास विधायक को कहे हैं हम लोग की जब खुदाई कर लिए तो इसको सही किए, बोलता है आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, देखिए अभी जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि बिहार के अंदर डबल इंजन का सरकार है, तो डबल इंजन का सरकार आप सामने देख ही रहे हैं कि एक सड़क का ये हाल है, लगभग 2-3 महीने से खोद करके इसको छोड़ दिया गया है, तो यही डबल इंजन का आप जो है नमूना देख सकते हैं। इधर आइए ना, बोलना है आपको क्या कहना है? हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये खुद जानते हैं कि विकास कुनिया से कमन तकलीफ तुम सर? हमको तो तकलीफ बहुत तकलीफ है, बहुत मनाइए कि खुदाई करके ही छोड़ा है। मरीज को कैसे लेकर के आते जाते हैं? आने जाने या कोई भी मौत हो जाए में लेके जाते हैं, कंधा में लेके जाते हैं, कंधा में लेके जाते हैं। तो आप लोग आखिर में क्या चाहते हैं ये बताइए? आखिर में तो उसका मतलब समाधान होना चाहिए, चाहते हैं हमको रास्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो खुदाई किया अभी रास्ता बनना चाहिए, पब्लिक कैसे जाना आना करेगा? रास्ता बनना चाहिए, हम लोग का क्यों सर रहा है? रास्ता भी बनना चाहिए, जरूरी है। हम लोग 500 का मकई साथ 1000 में बेच रहे हैं रास्ता के चलते। आपको क्या कहना है? रास्ता बनना चाहिए। चलिए, तो ये लोगों की समस्या थी, ये लोग बता रहे थे कि भाई रास्ता बनना चाहिए और विधायक जी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, ध्यान नहीं दे रहे, वो ध्यान नहीं दे रहा विधायक जी। विधायक जी के पास जाते हैं बोल रहे हैं कि ठेकेदार के पास जाओ, ठेकेदार के पास जाते हैं तो बोल रहे हैं कि विधायक जी के पास जाओ। हम ठेकेदार के पास जाते हैं तो ठेकेदार बोल रहे हैं विधायक जी के पास जाओ, और विधायक जी के पास हम बहुत बार गए, 5-6 गाड़ी लेके गए, पूरा नूरी चौक का आदमी भी गए। घर यहाँ से कितना दूर है? हमारे घर से 1.5 किलोमीटर है। इसी रास्ते से है, 2.5 किलोमीटर। इसी रास्ते से, मतलब विधायक का घर कहना है, ये कहना चाह रहे हैं आप? विधायक का घर में हम यही चाहते हैं कि भैया हमारा काम करो, काम करो, हो जाएगा हो जाएगा। हम लोग को क्यों भरोसा दे रहे हैं इधर रास्ता बगैर? क्रीम कुल काम खराब हो जाए तुम सर, बता पानी यहाँ की गौर तो नहीं बचते विधायक के पास जाते हैं कि आपका विकास जो आपका ये प्रगति रुका हुआ, तो आपने ऑडिट फाइल दिखा देते, काम बहुत हुआ है, काम कितना हुआ है आपके सामने नजर आ ही रहा है। तो बहरहाल लोगों की समस्या आप सरसरी तौर पर सुन लिए, लोगों को काफी उम्मीदें हैं, विकास चाहते हैं और विकास का ये नमूना है आप देख रहे हैं, सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो लोगों की मांग है कि इसको जल्द से जल्द सही किया जाए, जरूरी है ताकि आने जाने में लोगों को आसानी हो, जो रास्ता नेपाल बॉर्डर तक जाती है।